हेलो दोस्तों, F7 अटैक ऑन F7 ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। और दोस्तों खास करके मैं बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, जो भी ओपनिंग हो या एंड गेम हो या मिडल गेम, सारे जो भी वीडियो है सबसे बेस्ट बुक्स में सिलेक्ट करता हूँ। बेस्ट बुक में से अच्छी अच्छी पोजिशन निकाल के मैं स्टडी करता हूँ। पूरा स्टडी करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आपको कुछ भी गलत में सिखा नहीं दूँ इसका मुझे खास ध्यान रखना है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि ये चैनल ऑनलाइन है, पूरा वर्ल्ड देखता है इसे, कोई भी गलती है तो मुझे तुरंत ब्लेम करेंगे। तो यहाँ पे खास करके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे, और ख़ास करके जो स्टेट लेवल नेशनल लेवल गेम में चेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोचिंग की ज़रूरत है, उनके आधा नज़दीक में कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई अच्छा कोच उनके सिटी में नहीं है, वो लोग मुझे ऑनलाइन कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अटैक ऑन F7। इन दिस पोजिशन ब्लैक का बिशप और क्वीन ऑलरेडी अटैक में है, और व्हाइट का किंग को डिस्टर्ब भी कर चुका है। ब्लैक ने कैसल नहीं किया, लेकिन कैसलिंग की पूरी तैयारी है। ओनली वन मूवमेंट ब्लैक कैन कैसल दिस गेम। लेकिन मैंने बताया कि F7 पे जब बिशप अटैक करता है या F2 पे अटैक करता है तो उसको अटैक कंटिन्यू कैसे रखना है। यहाँ पे व्हाइट के ऑलरेडी क्वीन बिशप और नाइट डेवलप्ड है, और बिशप जो C1 पे है वो भी F4 पॉन पे थ्रेट में है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन सबसे पहला बिशप इंटू F7। व्हाइट करेगा बिशप इंटू F7, सब कैलकुलेशन किया हुआ है व्हाइट ने। आफ्टर किंग टेक्स F7 देन नाइट D5। अब नाइट D5 एक वेटिंग मूव है, जो तुरंत अटैक नहीं मिल रहा है। अब बिशप पे अटैक किया है तो बिशप सपोर्ट, बिशप बचाना जरूरी है। तो यहाँ पे बिशप E7 बेस्ट ऑप्शन है। अगर बिशप D6 खेलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट मूव आप E5 करके बिशप को ब्लॉक करके भी खेलोगे, और बिशप पे अटैक आएगा, फिर बिशप E7 जाएगा, तो मूव वेस्ट होगा। बिशप E7 के बाद बिशप टेक्स F4, यहाँ पे क्वीन पे अटैक। अब क्वीन बहुत ही खराब जगह पे पड़ी है, यहाँ पे क्वीन के पास कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है, तो क्वीन H4 ओनली होप है जो अच्छी जगह पे जा सकता है। उसके बाद नाइट F3, और जब आप अटैक में हो दोस्तों, आपके चार चार पीस अटैक में है सामने वाले के किंग के ऊपर, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाइट ने ऐसा ही किया है, उसका जो A1 वाला रुक है उसने सैक्रिफाइस कर दिया है। आफ्टर क्वीन H1 किंग F2 देन क्वीन टेक्स A1। अब देखो आप ब्लैक की पूरी क्वीन को अलग साइड ले जाते हो, जो आउट ऑफ प्ले हो जाता है, कोई काम का नहीं है कुछ मूव के लिए। इसी का फायदा आपको लेना है। अर्ली अटैक किसे कहते हैं, जब सामने वाले के किंग को सेंट्रलाइज कर देते हो अटैक करके, और आपके तीन या चार पीस उसके ऊपर जबरदस्त अटैक आता है, तो उसका बचना वैसे भी नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पे व्हाइट ने ऐसा ही किया है, रुक सेक्रीफाइस किया ताकि क्वीन वहां से डिफेंस में से हट जाए, और उसके व्हाइट के चार चार पीस अटैक में। यहाँ पे नाइट E5 चेक, नाइट E5 के बाद किंग E8, उसके बाद क्वीन H4 चेक, क्वीन H5 चेक, सॉरी G6, देन नाइट C7 चेक, आफ्टर किंग D8, नाइट F7 चेकमेट। किंग D8 के बजाय किंग F8 जाता है तो भी मेट आ रही है दोस्तों। यहां पे क्वीन H6 चेक, देन किंग G8 फोर्स मूव है, नाइट E8 के बाद क्वीन G7 चेकमेट की थ्रेट है, तो इसका रिप्लाई बिशप F8 से देगा, तो नाइट F6 चेकमेट हो रहा है। तो ब्रिलियंसी इस गेम में ये है कि आपने अटैक कंटिन्यू रखा है, अटैक छोड़ा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक दो पीस आपको देने पड़े और सामने वाले के पीस को वहां से डिकॉय करना पड़े, किसी दूसरी जगह पे भेजना पड़े, उसके लिए आप पीस देने की तैयारी रखते हो तभी आप अटैक कर सकते हो। इतने मूव्स कैलकुलेट करने हैं, ऐसे नहीं कि आपने अटैक देख लिया और सब पीसेस देने लगे, पूरा कैलकुलेशन के साथ में आपको खेलना है कि मेरा सेक्रीफाइस गलत नहीं होना चाहिए। जबरदस्त अटैक के बाद में कोई भी प्लेयर बच नहीं सकता, इतने सारे पीसेस एक साथ, किंग ऑन सेंटर, F7 पे किंग है, आप जबरदस्त अटैक कर रहे हो तो उसका बचना नामुमकिन ही हो जाता है दोस्तों। कई अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि हर बार F7 पे ही क्यों अटैक, कभी कभी व्हाइट के भी अटैक, व्हाइट के ऊपर भी अटैक कर सकता है, लेकिन पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जब व्हाइट के ऊपर अटैक हो F2 पे,
जैसे ब्लैक के ऊपर F7 पे अटैक होता है, ऐसे व्हाइट के F2 पॉन पे अटैक करना चाहिए। और यहाँ पे ये पोजीशन जो आप सामने देख रहे हो, वहाँ पे ब्लैक टोटली अटैक में है, दो दो नाइट अटैक में है, क्वीन रूक सब डेवलप है। तो यहाँ पे व्हाइट भी ब्लैक भी ट्राई कर सकता है F2 पे अटैक करने का और सामने वाले के किंग को एक्सपोज करने का, लेकिन उसके लिए पहले आपको धीरे धीरे पोजीशन बनानी होती है। कोई भी अटैक लेने के लिए पहले पीसीस को जमाना पड़ता है कुछ अलग जगह से कि कहाँ से आपको अटैक करना है। यहाँ पे अगर आपने अटैक नहीं किया और वाइट ने कैसलिंग कर लिया तो फिर वाइट एकदम सिंपल हो जाएगा और कुछ आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पे नाइट इंटू F2 ये गिन सकते हैं हम। नाइट F2 के बाद कंटिन्यूसली अटैक आना चाहिए, कंटिन्यूसली नाइट किंग टेक्स F2 के बाद नाइट G4 तुरंत चेक आ रहा है और क्वीन रुक दोनों एक फाइल में है, E3 पे भी प्रेशर बना हुआ है। अगर किंग G3 जाता है तो सिंपल क्वीन C7 और उसके बाद व्हाइट के किंग को बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि किंग बहुत ही एक्सपोज हो जाएगा। अगर H3 पे जाएगा तो डिस्कवर चेक के बाद क्वीन लॉस होनी होगी और अगर H4 पे जाएगा तो और भी बहुत सारे अटैक उसे सहन करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वीन किंग E1 ये एक ही बेस्ट ऑप्शन है। किंग E1 के बाद नाइट टेक्स E3 और क्वीन पे अटैक आ रहा है तो क्वीन बचाएगा D2 पे और नाइट यहाँ पे एक पॉन सैक्रिफाइस D4। नाइट टेक्स D4 नहीं कर सकते दोस्तों। नाइट टेक्स D4 में क्या होता है, सपोज हमने नाइट टेक्स D4, ये क्वीन टेक्स D4 तो देख सकते हो कि नाइट C2 फॉर्क से क्वीन लॉस हो जाएगा, तो क्वीन टेक्स D4 नहीं पॉसिबल। हम नाइट टेक्स D4 देखते हैं, उसमें क्वीन H4 चेक आएगा, आफ्टर G3 क्वीन टेक्स नाइट देन क्वीन टेक्स और नाइट फॉर्क से आपको क्वीन वापस मिल रही है, तो जो आपका सेक्रीफाइस था वो वापस भी आ गया और आप पॉन अप हो जाते हो। तो नाइट टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए व्हाइट ने खेला है यहाँ पे नाइट D1। नाइट D1 के बाद नाइट G2 चेक, किंग F2 और उसके बाद नाइट H5 एक्सचेंज ऑफर किया है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक अटैक में है। नाइट टेक्स नाइट अगर वो लेता है व्हाइट तो क्वीन H4 चेक बहुत ही डेंजर है उसके लिए। रुक F1 डिफेंस में कर रहे हैं, लेकिन बिशप H3 के बाद रुक को वहां से हटना पड़ेगा, रुक F1 इसलिए कि आर्टिफिशियल कैसलिंग हो जाए। लेकिन आफ्टर रुक G1 यहाँ पे रुक से पॉन को सपोर्ट, रुक G3 बिशप के ऊपर अटैक और अपने नाइट को डिफेंस कर सकता है, ये बेस्ट चॉइस है वाइट के लिए। लेकिन D3 सेक्रीफाइस योर पोन आफ्टर बिशप टेक्स D3, बिशप को डिकॉय करते हैं, नाइट टेक्स F3 देन रुक टेक्स F3 क्वीन H4 चेक। यहाँ पे एक ही बेस्ट ऑप्शन है रुक G3। देखो कंटिन्यूज अटैक कैसे करते हैं, सेक्रीफाइस के ऊपर सेक्रीफाइस, आपको प्लेस मिलनी चाहिए अटैक करने की। रूक सेक्रीफाइस आफ्टर रूक टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स रूक देन क्वीन F4 चेक। अब देखो ब्लैक बहुत ही जबरदस्त अटैकिंग और मेटिंग पोजीशन में है। यहाँ पे किंग क्वीन F3 किया तो क्वीन D2 चेक, क्वीन F3 के अलावा और कोई मूव भी नहीं है व्हाइट के पास। क्वीन D2 के बाद व्हाइट को रिजाइन ही करना पड़ेगा, RE1 चेक में कोई जगह नहीं बचती है। क्वीन F1 देन रूक टेक्स F1 सिंपली चेकमेट। तो दोस्तों ये थी दूसरी पोजीशन F7 और F2 पे अटैक करने की, और भी बहुत सारी पोजीशन मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे हर एक गेम में कैसे अटैक करना है। ये अगर आप सीख लेते हो तो आपकी गेम बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। इसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि जब कोई पोजीशन में कब F7 पे अटैक करना है, कब सेंटर में अटैक करना है, कब एंड गेम में अटैक करना है और कैसे आपकी गेम की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में डीपली मैं वीडियो बनाता रहूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो कि आपको एक भी वीडियो मिस ना करना पड़े। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।